सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी सिया और दबाइए इस बेल आइकन को और पाइए लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अपने चैनल पे आईवी कॉपीराइट स्ट्राइक को कैसे हटाएं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा यूट्यूब का इंटरफेस है जहाँ पर आपको दिख जाएगा यू हैव जीरो कॉपीराइट स्ट्राइक एंड जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो मुझे एक मिल रखी है मेरी एक वीडियो पे, जो कि मैंने मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक करा था और यूट्यूब ने मुझे वो दिया था, तो मैं उसके लिए अपील भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसमें कुछ ना कुछ गलत करा है और मैं अपील करूँगा तो मुझे मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर उन्होंने मैनुअल उस वीडियो को देखा। तो भाई, ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी आया था एक वीडियो पे, जो कि मैंने प्रिया प्रकाश वैरियर के ऊपर बनाई थी। वो मैंने उनका सॉन्ग का थोड़ा सा पार्ट लिया था तो उस वजह से मेरे पास आई थी। तो गाइस, हम यूट्यूबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी वीडियो पर और अपने चैनल पर, और कहीं ना कहीं से यार हमें थोड़ा बहुत कंटेंट लेना ही पड़ता है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है जैसे तैसे करते हुए। तो लेकिन जब भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो यार हमें सबसे ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि पहले कॉपीराइट पे उतना असर नहीं पड़ता, मोनेटाइजेशन बंद तो नहीं होता फिलहाल, लेकिन आपका जो लाइव स्ट्रीम है वो बंद हो जाता है, कुछ फैसिलिटीज़ है वो मिलना बंद हो जाती है, और दूसरे और तीसरे पे तो पूछो ही मत, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि आप अपने कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आ जाए तो उसे कैसे वापस लिया जाए, वापस कैसे उसे मतलब हटाया जाए, तो इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यार वीडियो को अगर लाइक कर दीजिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस, आपको मैं दिखा दूँ, जैसा कि ये वो मेल है जो मुझे आया था 22 फरवरी को, तो ये देख सकते हो, ये हाई ट्रिकी सिया ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक टेक डाउन नोटिस, तो ये देख सकते हैं जो कि मुझे इस वीडियो पे आया था, हु इज़ प्रिया प्रकाश वैरियर, जिस पे मैंने एक गाना यूज़ किया था, तो उसी के गाने के ऑनर ने वो मुझे मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन तो वैसे ही बंद है, लेकिन एक कॉपीराइट स्ट्राइक और एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के साथ साथ मुझे मैन्युअली जो थंबनेल अपलोड करने की फैसिलिटीज मिलती है वो भी मिलना बंद हो गई थी। बट फिर उसके बाद यार मुझे थोड़ा सा इसे वापस लेना था, तो इसे आप देख सकते हैं यार, ये कॉपीराइट स्ट्राइक 22 फरवरी को आएगा, मैं इसे लेता और तो इसे 3 महीने तक मुझे इसकी पनिशमेंट का वेट करना पड़ता था। तो गाइज़, मैंने कैसे हटाया, तो गाइज़ आप सभी को मैं बता दूँ कि यार अगर आप मतलब आपकी किसी वीडियो पे अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है काउंटर नोटिफिकेशन। काउंटर नोटिफिकेशन तो यार फिलहाल अभी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसेस हो जाएगा पूरा का पूरा, कोर्ट वगैरह ये सब, तो उसको हटाते हुए मैं बताता हूँ। एक होता है रिस्ट्रिक्शन रिक्वेस्ट। तो गाइज, अगर आपके पास आती है किसी भी वीडियो पे कॉपीराइट आता है कॉपीराइट स्ट्राइक, तो आप उसे रिट्रैक्ट करवा सकते हैं, उसे मतलब वापस ले सकते हैं, उसे आप उसके ऑनर को एक ईमेल करके या किसी तरह मैसेज करके आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि यार गलती से वीडियो पे यूज़ हो गया और उसे मतलब आप वापस ले लीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये करके आप अपने मतलब उस वीडियो पे आप उससे हटवा सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपको अपनी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने का। तो गाइस, मैं आपको दिखा दूं कि वो कैसे मैंने हटाया था, जैसे कि एक ये वीडियो है ये भी कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हट गई थी, तो यहाँ पर मैंने इसे खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आ रहा है, इस पर मुझे क्लिक करना है और ये इनका ईमेल आईडी है, तो ये इस ईमेल आईडी पे अगर मैं मतलब करता हूँ तो ये जो है ये वीडियो वापस से आ जाएगी यहाँ पर, और ये वीडियो वापस से चलने लग जाएगी, और ये जो मेरा इसका नोटिफिकेशन जो इसका कॉपीराइट है ये मुझे तब इतना पता नहीं था, तो ये मैंने इसकी पनिशमेंट झेल ली थी। तो गाइज, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने एक ईमेल लिखी थी, तो यहाँ पर देख सकते हो 13 ईमेल में बात हुई है, मैंने ये ईमेल लिखा था, ये पैटर्न था जिससे मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और ये जो पैटर्न है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो इसे कॉपी पेस्ट करके अपना टाइटल वीडियो का लिंक डाल दो और अपना नाम, डेट्स इट, और रिप्लाई का वेट करो। अगर गाइस रिप्लाई नहीं आता है आपके पास उस सूरत में क्या करें, तो गाइस मेरे पास भी पहले में रिप्लाई नहीं आया था, तो मैंने उसे फिर दोबारा एक और रिप्लाई किया 23 फरवरी को, जैसा कि आप देख सकते हो सेम मैसेज मैंने कॉपी पेस्ट करके वो फिर दोबारा भेजा, फिर वहाँ से यहाँ पर प्लीज़ डू द नीडफुल, तो इन्होंने फिर रिप्लाई करना स्टार्ट किया, फिर मैंने वापस से रिप्लाई करा, तो उन्होंने फिर फाइनली जाके उन्होंने मैसेज किया ये इट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्ट काइंडली कन्फर्म, और ये उन्होंने हटा दिया, और फिर मैंने उनके पास फिर रिप्लाई करके यस इट इज़ रिमूव,
रिप्लाई कर दिया। तो गाइज ये प्रोसेस था एक छोटा सा, जो कि 13 ईमेल में मेरा, मतलब 13 ईमेल करने पर सारा का सारा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया और मेरे चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हट गई। तो गाइज अगर आप भी अपने चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हटाना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है हटाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज़ कॉपीराइट इशू से कोई भी बात करनी है, कोई भी किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, कुछ पूछना है, तो यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए यार वेट करना पड़ेगा, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।